जैस्मिन और अली की शादी होने की बात हो रही है घर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? शादी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे? नहीं होनी चाहिए। अली को नहीं चला गया, उसका थोड़ा सा बुरा लगा है, पर वो वापिस आया है, उसका भी थोड़ा अच्छा लगा है। निक्की तंबोली आई है तो थोड़ा हमको ऐसा लगेगा, इरिटेट हो रहा है आवाज़ से, लेकिन वो आवाज़ हम मिस कर रहे हैं। अभी तो बहुत लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, इजाज क्या अली और वो सब रिटर्न आ रहे हैं, इसके लिए तो बहुत सारा झगड़ा होने वाला है। अभी सबके आने के बाद ज़्यादा एंटरटेन हो रहा है लास्ट वीकेंड से, अर्शी का वो बार बार छेड़ना विकास गुप्ता को, और उसमें मनु पंजाबी का वो ओ माय गॉड आई कांट एक्सप्लेन। आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कॉन्ट्रावर्सीज होने वाली है, और ज़्यादा सबको मसाला मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूज पे। थैंक यू। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया खान है। आलिया खान वन, बहुत प्यारा नाम है। आलिया ये बताइए, बिग बॉस सीजन 14 देख रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सारे मतलब अलग अलग गेम आ रहे हैं उसमें, तो देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको मैं। तो आप देख रही हो तो मतलब कैसा लग रहा है अभी जो गेम चल रहा है घर का, क्या तो कहना है? उसमें गेम तो साइड हटा दो, ग्रुपिज्म ज़्यादा चल रहा है उसमें, कि सबका अलग अलग ग्रुप बन गया है उसमें, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि घर के अंदर आली निकी और राखी आज चली गई हैं, है ना? अगर लाइव फीड्स देखेंगे तो वो तीनों घर के अंदर जा चुके हैं, आगे राहुल की भी जाने की बातें हो रही हैं। क्या लगता है कि अगर ये लोग जैसे अभी घर के अंदर गए हैं, जैसे आपने कहा ग्रुपिज्म हो रहा है, क्या लगता है क्या होगा? अब मेरे को तो लगता है कि जैस्मिन और अली का तो थोड़ा सा अनबन तो होगा, और एक नया ग्रुप उनका बनेगा, जो अभी न्यू लोग जा रहे हैं उनका तो नया ही ग्रुप बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी दो ग्रुप बन चुका है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो निकल गए हैं वो वापस जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया दंगा तो होगा। अच्छा ये बताओ कि अभी जिस तरह से घर के अंदर विकास और ये अर्शी की लड़ाइयाँ हो रही है, जो भी अनबन है, क्या लगता है ये और बढ़ेगा जैसे अभी अली और ये सब घर के अंदर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टास्क में भी धक्का धुक्की ये सारी चीज़ें हो रही है, तो क्या लगता है? डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि अर्शी जो है वो किसी की सुनती नहीं है, तो इन सब के जाने के बाद भी झगड़ा और ही होगा। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, अभी तक तो शुरू हुआ है, देखेंगे आगे क्या क्या होता है, और झगड़े देखना है। अच्छा आपको बता दें कि अली और निकी और राखी आज घर के अंदर जा चुके हैं, अगर आप लाइव फीड्स देखे तो। नहीं लाइव नहीं देखा है, आज देखेंगे ना जी। तो आपने कहीं ना कहीं गेम देखा है कि किस तरह से चैलेंजर्स के घर के अंदर जाने के बाद कितनी सारी चीज़ें हो रही है, ग्रुपिज्म हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अर्शी विकास के बीच, और सब कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं एजाज का एक बदला रूप है। क्या लगता है अली जो अब घर के अंदर गए हैं, निकी गई हैं और राखी और राहुल भी जाने वाले, क्या लगता है गेम कैसे पलट सकता है? पता नहीं, इनके तो फैन फॉलोअर्स ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। राहुल के तो ज़्यादा ही है फैन फॉलोअर्स, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि गेम में लड़ाई झगड़ा देखने को होएगा? जरूर होएगा, झगड़े तो बहुत सारे होंगे। और क्या लगता है अली दूसरा अपना एक ग्रुप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ग्रुपिज्म जो अब चालू हुआ है वो कंटिन्यूड रहेगा? वो सोलो खेलेगा तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। अच्छा घर के अंदर अली निकी और राखी सावंत अब जा चुके हैं, हाँ। है ना? अगर आप लाइव फीड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्या लगता है गेम अब कैसे पलटेगा? इतने सारे चैलेंजर्स, विकास, मनु पंजाबी, अर्शी, ये सारे लोग हैं, एजाज उनके साथ एक ग्रुप बन गया, क्या लगता है कि क्या चीज़ होगी? लड़ाई झगड़े होंगे, किस तरह से आप जो है सब गेम खेलेंगे? अभी तो बहुत लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, एजाज क्या अली और वो सब रिटर्न आ रहे हैं, इसके लिए तो बहुत सारा झगड़ा होने वाला है। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि राहुल महाजन को हमने बोलते हुए देखा कि शादी करा देते हैं जैस्मिन, हाँ, और अली की अब, हाँ, अली घर के अंदर जा चुके हैं, क्या लगता है शादी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बहुत मज़ा आ जाएगा हो गई तो शादी। अच्छा ये बताइए आपके फेवरेट कौन है? रूबीना। रूबीना क्या अच्छा लगता है रूबीना में? रूबीना का मेरे को लुक बहुत पसंद है, बहुत प्रीटी है, बहुत क्यूट है वो, उनकी स्टाइल, उसका रहना धहना सब कुछ मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा घर के अंदर जो ये सारे लोग जाएंगे, क्या लगता है ग्रुपिज्म एक ग्रुप बन चुका है, एजाज, तुम्हारा मनु पंजाबी, अर्शी खान, कश्मीरा, ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक तरफ है, क्या लगता है अगर अली निकी ये लोग घर के अंदर जाएंगे तो और ग्रुप बनेंगे कि किस तरह से मारा पीटी, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज क्या होगा? बहुत अभी झगड़ा तो बहुत होने वाला है, गाली गलौज भी होने वाला है, अभी वही वेट हो रहा है, कभी उन लोग आए और कभी मैं एपिसोड देखूँ।
सबसे पहले तो आपका फीफा फोर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि बिग बॉस 14 देख रही हैं? जी हाँ। कैसा लग रहा है अभी तक का गेम? अभी सबके आने के बाद ज़्यादा एंटरटेन हो रहा है लास्ट वीकेंड से। चैलेंजेस के आने के चैलेंजेस के आने के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बताएं, अगर तो अली, राखी सावंत और निकी, ये तीनों अब घर के अंदर हैं, वापस गए हैं, क्या लगता है गेम अब कैसे पलट सकता है? अभी गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तीनों के आने के बाद। जैस्मिन और ज़्यादा लड़ाई करेगी अली के आने के बाद, क्योंकि वो अली आने पे ही ज़्यादा लड़ी थी, और निकी तो है ही एंटरटेनर, प्लस और कौन आ रहा है, राखी सावंत, वो तो फुल एंटरटेन करने वाली है आके। अर्शी के साथ तो बहुत लड़ेगी, सबके साथ लड़ने वाली है। क्या लगता है कि ऑलरेडी जो कल का टास्क अगर देखे तो बहुत एजाज हुआ कि उसने रुबीना को टच, जैस्मिन और उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, रुबीना के साथ एजाज की बहुत लड़ाइयाँ हुई, फिर आपकी कश्मीरा भी कहीं ना कहीं गिर गई टास्क के टाइम, तो कहीं ना कहीं अब यू नो फिज़िकल टच वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। क्या लगता है ये चीज़ और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऑफकोर्स चैलेंजर्स के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एजाज और ज़्यादा फुल फॉर्म में आ रहा है उनके आने के बाद, अभी तक जो वो छुपा हुआ था उनको देख के और ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है और ज़्यादा खुल के आ रहा है। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट है रुबीना। रुबीना क्या अच्छा लगता है रुबीना? वो जो बोलती है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है, खुला बोलती है, पूरा क्लियरली सब कुछ बोल देती है, जो भी बोला है जिसके मुंह पे, कभी किसी के पीछे नहीं बोलती है। ठीक है, तो जाते जाते रुबीना के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई होप रुबीना जीते, और मुझे उनके हस्बैंड भी बहुत पसंद है। हाँ, लड़की को हस्बैंड पसंद है, अर्शी की तरह ये भी डोरे डालेंगी अगर घर के अंदर जाएंगी तो। थैंक यू सो मच। अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली बिग बॉस मेरा फेवरेट है तो इसलिए मुझे वो अच्छा ही लगता है, भले से वो बीच में बहुत डल और ये सब बात नहीं कर रहे थे, बोर हो रहा था, फिर भी जिसको पसंद है वो तो देखेगा ही ऑब्वियसली। बट फिर अली के जाने के बाद थोड़ा ऐसा लगने लगा कि क्यों गया, वो अच्छा था, अच्छा चल रहा था, और राहुल गया, निक्की गए, जो मेन थे, जो एंटरटेनर थे थोड़ा अच्छे थे, क्योंकि वही रुबीना से लड़ते थे या उससे झगड़ते थे या बाकी लोग से झगड़ते थे, वो उनकी वजह से ही बाकी लोग दिखते थे, वही चले गए। लेकिन जब चैलेंजर्स आए तो और थोड़ा एंटरटेनिंग लगा, अर्शी का वो बार बार छेड़ना विकास गुप्ता को, और उसमें मनु पंजाबी का वो, ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज मनु पंजाबी के आने के बाद बहुत ही एंटरटेनिंग हो गया वो, मतलब जो हम सोचते हैं बाहर बैठ के वो अंदर जाके समझ में उसको आ रहा है कि ये विकास गुप्ता पक्का, इसको कुछ टास्क मिला है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, और मनु तो ब्रिलियंट। लेकिन ये दिमाग अर्शी ने शायद लगाया था कि कोई तो कुछ नहीं, तो नहीं, एक्चुअली मनु को पहले ही पता चल गया, तो नाइट में जब वो बोला ना कि चलो हम उनको, हाँ चलो, तो वो पहले ही बोला कि अभी तक ये पूरा दिन कुछ नहीं किया, एक दिन का राजा राहुल महाजन बना तभी भी कुछ नहीं किया, अचानक इसको क्यों ऐसा हो रहा है, आप बोलो मैं जाके करता हूँ, कभी तो किसी के बोलने पर कुछ करता नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, क्या लगता है अली अगर घर के अंदर जाएंगे तो ग्रुपिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा, लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, गेम मज़ेदार होगा, दंगल होगा, क्या होगा? आई डोंट थिंक ग्रुपिज्म होगा, क्योंकि अली ऐसा था कि वो रुबीना से भी उसका था, अभिनव से भी था, जैस्मिन भी थे, राहुल भी, जब भी राहुल वैद्य था तो उससे भी था, तो उसका ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ग्रुप बनेगा, उसका ऐसा था कि वो सबके साथ मिल के रहता था, और वो वैसे ही रहेगा, और ज़्यादा इंटरटेनिंग हो जाएगा अली के आने के बाद। अच्छा, निकी तंबोली भी गई हैं, राखी सावंत भी गई हैं, क्या कहना चाहिए? निकी तंबोली आई है तो थोड़ा हमको ऐसा लगेगा इरिटेट हो रहा है आवाज़ से, लेकिन वो आवाज़ हम मिस कर रहे हैं, और राखी तो ऑब्वियसली अपना ये अर्शी और राखी मिलके तो और ज़्यादा हमको इंटरटेन करने वाले हैं। आपकी फेवरेट कौन है? रुबीना एंड अभी मनु पंजाबी। और रुबीना अभिनव से ये अब मनु पंजाबी भी चली गई है, क्या अच्छा लगता है मनु में? मनु तो पहले से ही था वो सीजन 10 में, तो हमको तभी से ही वो पसंद था, और अभी आने के बाद तो मुझे रुबीना छोड़ के मुझे अभी मनु को मैं बोलूँगी क्योंकि उसका बहुत अच्छा है, मतलब वो ये नहीं कि जैसा अभी रुबीना ने बोले कि नहीं अभी हमको मिलने ही वाला नहीं तो हम क्यों बोले, तो हम क्या ऐसे ही बैठ के देख रहे हैं, आप कुछ तो बोलो, बट मनु ऐसा है कि वो दूसरे की बातें भी आके बोल रहा है, अरे देख तुझे वो ऐसा बोला वैसा बोला, तो हमको थोड़ा मज़ा आता है ना, ऐसा कोई करता एंटरटेन। तो जाते जाते मनु के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट मनु, हम वेट कर रहे हैं कि ये सीजन आप जीत के जाएं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला सीज़न, है बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब न्यू और ओल्ड कमर दोनों मिक्स, बहुत 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 इंटरेस्टिंग। अली, निकी तंबोली और राखी घर के अंदर जा चुकी हैं, क्या लगता है कि क्या होगा आगे? और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कॉन्ट्रावर्सीज होने वाली है, और ज़्यादा सबको मसाला मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा है। घर में कहीं ना कहीं ऑलरेडी ग्रुपिज्म चालू हो गया है, क्या लगता है आगे और ग्रुपिज्म बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या चीज़ें होंगी? बढ़ने वाला है ग्रुपिज्म तो 100% बढ़ने वाला है,
और बहुत अच्छा रहेगा आगे भी। आपका फेवरेट कौन है? रुबीना। क्या चीज़ अच्छी लगती है रुबीना में? वो बहुत क्लियर बोलती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड सबको ज़्यादा मैक्सिमम वही पसंद आ रही है इस बार। वो सही है, मतलब एकदम सही चल रही है। जाते जाते रुबीना को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये बोलना चाहूँगी ऑल द बेस्ट, होप वो जीते, बहुत अच्छा चल रहा है अभी, सब कुछ अच्छा चले आगे उनके लिए। सबसे पहले आपका फीफा फूड से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए बिग बॉस 14 अभी तक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी जो चेंज आया है, जो नए चैलेंजर्स आए वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अली को नहीं चला गया, उसका थोड़ा सा बुरा लगा है, पर वो वापस आया है उसका भी थोड़ा अच्छा लगा है। और ये भी पता चला है कि राहुल और निकी शायद सीक्रेट रूम में, तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अली, राखी सावंत और निकी तंबोली ऑलरेडी घर के अंदर जा चुके हैं, है ना? राहुल आने वाले हैं, खबरें ये है कि राहुल आएंगे। अली, निकी और राखी घर के अंदर हैं, अगर आप लाइव फीड्स अभी देखो वूट पे तो आपको दिखेगा। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है गेम अब किस तरह से पलट सकता है? अभी ऐसा लग रहा है अली गोनी, राखी सावन और लगता है राखी सावन गेम पलटेगी। कैसे? वो एंटरटेन इतना, मतलब उस कैसे समझाऊं, मतलब उस, हाँ वो बहुत एंटरटेन करेगी। वो और अर्शिकांत जैसे बाहर दुश्मन थे वैसे घर के अंदर दोस्त बन के रहेंगे, ऐसा हाँ। लग रहा है अब तक तो। अच्छा ये बताओ कि कहीं ना कहीं एजाज ने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है, हाँ, है ना? हाँ, क्या लगता है अगर अली क्या अली घर के अंदर जाएंगे तो वो भी ग्रुप फॉर्म करेंगे या क्या ग्रुपिज्म होगा? हाँ होगा, होगा अली करेगा। कौन भारी पड़ेगा? तो अभी ऐसा लग रहा है जैस्मिन आवाज़ उठा रही है अर्शी के खिलाफ। कल का एपिसोड देखा हो तो उसमें जैस्मिन और अर्शी का बहुत झगड़ा हुआ है, तो अभी जैस्मिन भी अली के जाने के बाद स्ट्रांग हुई है, पर अभी वापस अली आ जाएगा तो सब बोलते वैसे गेम डाउन भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? हाँ मुझे भी वैसे लगता है कि अली आएगा तो जैस्मिन थोड़ी मतलब उस पर सपोर्ट पूरी हो जाएगी, तो हाँ वो हो जाएगी, मतलब ऐसा तो जैस्मिन थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट जैस्मिन है। आपका? मेरा राहुल वैद्य था और अगर वो अभी वापस आ रहे हैं तो वही फेवरेट रहेगा। जाते जाते जैस्मिन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैस्मिन ऑल द बेस्ट, तुम्हें ये शो जीतना है, मेरा फुल सपोर्ट है आपको और मैं बिग बॉस फॉलो करती हूँ और उसमें आपको ही सपोर्ट करती हूँ। जैस्मिन के बारे में एक और बात बता दूँ, राहुल महाजन की पूरी कोशिश है कि जैस्मिन और अली की शादी कर दी जाए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स है, मतलब उन लोग का रिश्ता। जैस्मिन ने मान लिया कि 3 साल से वो रिलेशनशिप में है। हाँ पर फिर भी मुझे नहीं लगता, नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है तो उससे आगे कुछ होगा तो नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि होना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं वो दोनों साथ में, उनके पिक्स देखो, उनका जो वो अंडरस्टैंडिंग है मुझे सब अच्छा लगता है। सो जाते जाते आप राहुल वैद्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? राहुल वैद्य को पहले मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, सिर्फ उनके सॉन्ग्स वगैरह सुने थे, पर वो जब से गेम में है तो मुझे बहुत इतने अच्छे लग रहे, इतने अच्छे, मतलब पहले वो बीच में बहुत अकेले भी हो गए थे जब वो जैस्मिन ने मुद्दा उठाया था, वो उस उन पर कुछ तो भी पानी फेंका था, तभी उन्होंने अकेले भी बहुत अच्छी गेम संभाली। उसके बाद सबको पता चला कि राहुल वैद्य इतने अच्छे हैं कि सब उस अली को नहीं आके पहले उनके फ्रेंड बने थे, तो फिर मतलब राहुल वैद्य बहुत अच्छा खेलर आएगी तो भी अच्छा ही खेलेगी, शायद वो चैलेंजर्स पे भारी भी पड़ सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट राहुल वैद्य। थैंक यू सो मच। जैस्मिन और अली की शादी होने की बात हो रही है घर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे, शादी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों का बॉन्ड सब हमने गेम में भी देखा और गेम के बाहर भी, उन लोग फ्रेंड्स थे, खतरों के खिलाड़ी वगैरह जैसे शो में, तो हमने उनकी पूरी फ्रेंडशिप देखी तो हमें वो अच्छा लगा, इसलिए उनकी शादी होनी चाहिए। आप क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसको ज़्यादा फ्रेंड्स में रहना हम लोग देखना पसंद करेंगे, क्या पता शादी के बाद कुछ अलग हो जाए, तो मतलब इसीलिए। ये बताओ कि बिग बॉस 14 है, स्टार्टिंग से कहा गया है कि सीन पलटेगा, क्या लगता है, एक साथ बोलना सब, क्या लगता है सीन पलटेगा या नहीं? हाँ, सीन पलटेगा। थैंक यू गाइस।